दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के मंत्रिमंडल में एक नया चेहरा शामिल होने जा रहा है और माना जा रहा है कि यह आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दांव है। बड़ा दांव कैसे है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दरअसल मुकेश अहलावत एक नया नाम ऐड होने जा रहा है दिल्ली के मंत्रियों की लिस्ट में और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के साथ उनके मंत्रिमंडल के 5 सदस्य और 21 सितंबर को पद की शपथ लेने वाले हैं। इन 5 मंत्रियों में 4 तो पुराने चेहरे हैं लेकिन एक नया चेहरा मुकेश अहलावत को ऐड किया गया है। पुराने चेहरों की बात करें तो गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन इसमें शामिल हैं, जबकि नया चेहरा है मुकेश अहलावत का। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि मुकेश अहलावत आखिर कौन है। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं मुकेश अहलावत और उनको मंत्री बनाने से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनको समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद की जगह पर मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर मुकेश अहलावत की हम बात करें तो इसके साथ ही माना जा रहा है कि पार्टी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश उनके साथ कर रही है। एक दलित चेहरे के तौर पर उन्हें उतारा जा रहा है। अहलावत सुल्तानपुर माजरा से पहली बार ही विधायक बने हैं और उन्होंने 2020 में 48,000 से ज्यादा मतों के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की थी। मुकेश अहलावत को आम आदमी पार्टी दलित चेहरे के रूप में पेश कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, उन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाकर पार्टी जल्द ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। जो सीट पहले खाली हुई थी, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो मंत्री पद पहले खाली हुआ था, माना जा रहा है कि वहां पर अगर इन्हें उतारा जाएगा तो पार्टी का डैमेज कंट्रोल होगा। राजनीतिक दिग्गज क्या कहते हैं, जानकार कहते हैं कि मुकेश अहलावत को मंत्री अगर बना दिया जाता है तो पार्टी उस स्थान को भरने की कोशिश कर रही है जो दलित नेता राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। दिल्ली में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में राजधानी में करीब 12% दलित वोटर्स हैं, इसलिए दलित वोटर्स को साधने का भी एक तरीका माना जा रहा है आम आदमी पार्टी का। और 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में ये एक बड़ा दाव आम आदमी पार्टी का माना जा रहा है।